माँ जी आपको शर्म नहीं आती? हर समय बस टीवी देखती हैं। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मानो योग्य से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भरत जी बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खटपट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई। नजर सामने पड़ी तो बहू तानिया के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तानिया, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तानिया की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देखकर चलाया करे। आवाज थोड़ी तलख थी। अर्चना जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो वो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भरत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तानिया मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है, और वह हमें भी भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं, या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीन में ऐसा लगता है हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा, मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। यह कहते हुए तानिया रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भरत जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का रोहित स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भरत जी ने पत्नी को रोने दिया, पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। अर्चना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। भरत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़ी परिकृतिस्थ हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खिंचना, बेवजह चीखना चिल्लाना पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर पर ही दिखता था। भरत जी या अर्चना जी कुछ पूछे तो बस हो या ना में जवाब मिलता था। बहू ने एक दो बार इशारे इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दे। भरत जी ने सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा, और अब वे मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना, वसीयत जरूर बना तो और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना, आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे इसी मकान के छत में। और उन्होंने ऐसा ही किया। यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख तो सच्चाई सामने आ जाएगी, इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। भरत जी ने सिर हिलाया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ, बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भरत जी ने बेटे रोहन और तानिया को अपने सामने बैठने के लिए कहा।
और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगी, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तानिया से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमायत की है। ना ना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तानिया को बोलने के लिए भरत जी ने कहा। और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ जो मुझे मंजूर नहीं। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने न दिन देखा न रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिल मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने दो दो ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिए। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो तानिया, तो फिर आज सुनो, घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, अखबार का, कुक का, काम वाली की पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ, तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब कमाई है, अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिसे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोच कर जवाब दे देना, मैं उसी हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है, चलो अर्चना, कहते हुए भरत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उस दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं।